गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एएसपी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर मीनाक्षी। हम लोग अभी एग्री बायोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम इस पार्ट पर आ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने ऐच्छिक डीएनए को या ऐच्छिक जीन को या विदेशी डीएनए को, जो भी हमें जीन चाहिए अपने जिन पादपों को या जंतुओं को हम रूपांतरित कर रहे हैं उनमें जो बदलाव हमें चाहिए, वो बदलाव लाने वाली जो जीन है उसे किस प्रकार से हम ग्राही कोशिका में या पोषी कोशिका में डलवाएं। पिछली क्लास में हमने इसके कुछ तरीकों के बारे में बात करा, जिसमें एक तो था प्रत्यक्ष तरीका और एक था अप्रत्यक्ष तरीका। प्रत्यक्ष तरीके के अंदर हम किसी वाहक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे हम बेसिकली टेक्नोलॉजी फॉर्म के अंदर करते हैं, जहां पर हम बायोलिस्टिक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोफिकेशन के द्वारा सीधे ही वाहक कोशिका के अंदर इस डीएनए को या ऐच्छिक डीएनए को, ऐच्छिक जीन को, जिसे आप विदेशी डीएनए भी कहते हैं, उसे डलवा देते हैं। दूसरा था आपके पास में अप्रत्यक्ष रूपांतरण, जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ऐच्छिक जीन है उसे किसी वाहक की सहायता से क्या करवाएंगे, हमारी पोषी कोशिका में डलवाएंगे। हमने बोला कि ये वाहक दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये प्लाज्मिड हो सकता है, जिसमें हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं, और बेसिकली हमारे पास में क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारे पास में होता है वायरस। तो हम विषाणु को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वाहक के रूप में। विषाणु से रिलेटेड क्या क्या बेसिक था, उसकी संरचना में क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछली क्लास में, तो आपको हेल्प मिलेगी। अब टीआई प्लाज्मिड से जुड़ी कुछ बातें, हमने पिछली क्लास में आपको एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आप किस प्रकार से अपने पादप के अंदर अपनी ऐच्छिक जीन को डाल सकते हैं वो पढ़ा, आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन का स्थानांतरण, कुछ और पादपों में देखते हैं। देखिए बेटा, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ना, ये बेसिकली मृदा में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनके अंदर जो भी इनका अनुवांशिक पदार्थ होता है उसी की एक कॉपी मिलती है, जिसे आप प्लाज्मिड कहते हैं। एग्रोबैक्टीरिया मिलने वाले प्लाज्मिड जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, गांठें बनाते हैं, तो उन्हें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है, और वहीं से नाम दिया गया इनके प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण के लिए गए चुने गए डीएनए को, हमें जो हमारा ऐच्छिक डीएनए है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐच्छिक डीएनए की, तो ऐच्छिक डीएनए को टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए में निवेशित कर दिया जाता है। तो जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, टी डीएनए में निवेशित कर दिया जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है, जो भी आपका ऐच्छिक डीएनए है और जो आपका टीआई प्लाज्मिड है उसे आप मिला देंगे। इसके लिए सामान्यतः टीआई प्लाज्मिड के समाकलित, यानी कि क्या हो जाता है, टीआई प्लाज्मिड हमारे ऐच्छिक डीएनए के साथ में क्या कर लेता है, बंद बना लेता है या जुड़ जाता है आराम से, या पुनर्योजी हो जाता है। तो अद्विवाहक बाइनरी वेक्टर की तरह, ये वेक्टर की तरह काम करेगा, लेगा फिर अपने अंदर डालेंगे हम इसे एग्रोबैक्टीरियम, फिर एग्रोबैक्टीरियम वापस से पादप को क्या करेगा, संक्रमित करेगा, तो उसमें ये जाएगा, तो द्विवाहक के रूप में क्या करते हैं प्रयोग, उपयुक्त पुनर्योजी टी वाहक को एग्रोबैक्टीरियम में प्रविष्ट करवाते हैं, तो इसलिए बाइनरी वाहक के रूप में इस्तेमाल होगा। अब देखिए, इसके बाद पादप कोशिकाओं के निम्न रूपांतरण के लिए दो विधियाँ हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिया, देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप लोगों ने लिया एग्रोबैक्टीरियम, तो ये क्या है आपका एग्रो बैक्टीरिया, ये इस एग्रोबैक्टीरिया के अंदर इसका खुद का क्या है, डीएनए मान लीजिए, और ये आपके पास में, इसके पास में क्या है, प्लाज्मिड, जो कि कौन सा प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है। पहले हमने क्या किया, इस टीआई प्लाज्मिड को लिया, अब इस टीआई प्लाज्मिड के साथ में हम किसको जोड़ रहे हैं, हमारे ऐच्छिक डीएनए को इसके साथ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे प्रतिबंधित एंजाइम से, किससे, प्रतिबंधित एंजाइम से तुड़वाएंगे। तुड़वाने के बाद ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये इस अवस्था में आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा ऐच्छिक डीएनए है उसे हम क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे। अब इसका स्थानांतरण हम वापस से किसके अंदर करेंगे, हमारे एग्रोबैक्टीरियम में करेंगे, जिसके पास स्वयं का तो डीएनए था ही, लेकिन अब उसके पास में ये, सॉरी, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, टी डीएनए, ये भी क्या होगा, उपस्थित होगा। तो ये रहा इसके अंदर ये वाला टी डीएनए, जो कि हमारे ऐच्छिक जीन के साथ है नहीं, और हमारा एग्रोबैक्टीरियम रूपांतरित हो चुका है। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम इस तरीके से रूपांतरित हो चुका है प्रविष्ट करने के बाद में, अब इसको हम कहाँ डालने वाले हैं, इसे हम डालने वाले हैं पादप कोशिका में।
कहाँ डालेंगे हम, पादप कोशिका में। अब इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड तो ये कि तो क्या करेगा, गांठे बनाएगा, ट्यूमर करवाएगा, तो देखिए हमें यही देखना है। तो इसके बाद पादप कोशिका का रूपांतरण निम्न दो विधियों से करता है, उत्तक कृतकों के साथ या पादप रूपांतरण। उत्तक कृतकों के साथ के अंदर क्या है बेसिकली, मैंने पिछली क्लास के बताया था, फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ये माध्यम लोगे, इस माध्यम के अंदर आप क्या करेंगे, जो पादप है तो पादप के जो ऊपरी भाग होते हैं जैसे तने का शीर्ष हो गया, मूल का शीर्ष हो गया, विभिजोत की कोशिकाएं माई जाती है, और इन विभिजोत की कोशिकाओं में क्षमता होती है लगातार विभाजन करने की, नए पादप बनाने की, जिसे हम ऊतक संवर्धन विधि में पढ़ेंगे। हम इन कोशिकाओं को भी संवर्धित माध्यम पे डाल देंगे, और जो हमने क्या बनाए हैं, ये प्लाज्मिड बनाए हैं इस प्रकार से टी प्लाज्मिड, उनको भी हम इस कोशिका इस संवर्धित माध्यम में डाल देंगे। ये दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएगी, और ये प्लाज्मिड के साथ ये जीन भी इन कोशिकाओं में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो देखिए उत्तक कर्तकों के साथ सह संवर्धन, तो यहाँ पे हमने दोनों को साथ में संवर्धित किया है, और जो हम ये निकाल कर लेकर आए ना पादप के ऊपरी भाग से या इसके शीर्ष भाग से, जो तने के शीर्ष भाग से निकाल कर लेकर आए जो हम विभिजोत की कोशिकाएं, उन्हें हम एक्सप्लांट या कर्तोत्तक कहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम की कोशिका संवर्धकों अथवा कर्तकों के साथ सह संवर्धन करते हैं, ऐसा टमाटर तंबाकू पिटूनिया आदि की पत्तियों में किया जाता है, और इसके द्वारा आपका जो एग्रोबैक्टीरियम है ठीक है वो क्या कर जाता है, वो उसके अंदर चला जाता है और सक्रिय हो जाता है। देखिए ओपेरोन क्या होता है, आपके अंदर या हमारे अंदर या पादपों में जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स है, हमारी जीन अपने आप को किस प्रकार से दर्शाती है, प्रोटीन बनवाकर, और ये प्रोटीन कई चरणों में बनता है जैसे कि अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा। ये हम यहाँ पे नहीं समझ सकते क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जब मैं क्या पढ़ाऊंगी इंग्लिश मीडियम के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी या आणविक सिद्धांत पढ़ाऊंगी अनुवांशिका का, वहाँ आपको मिल जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा जटिल नहीं होती, तो यहाँ पर अपनी जीन को दर्शाने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपेरोन सिस्टम कहते हैं। चलिए अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया, टी आई प्लाज्मिड लिया था, लक्ष्य जीन ली थी, डाला लक्ष्य जीन को एग्रोबैक्टीरियम में, डाला एग्रोबैक्टीरियम को इस पादप के कृतकों के साथ में क्या करवाया, वृद्धि करवाया, और चयनात्मक माध्यम पर ये देखिए इस प्रकार से पादप आपका क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। तो यही सारा हम लोगों ने यहाँ पर बताया है, जिससे पारजीन सहित टी डी एन ए बहुत सी कोशिकाओं में प्रवेश करके पादप जीनोम में समाकलित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्या करेगा, ये देखो ये आपके पास में एग्रोबैक्टीरियम आया है, ये एग्रोबैक्टीरियम इस पादप कोशिका के अंदर समाकलित हो जाएगा। दो दिन बाद रूपांतरित पादप कोशिकाओं को उपयुक्त पोष पदार्थ पर संबंधित करके वरण करते हैं। इस पोष पदार्थ में हम लोग क्या डाल देते हैं, कार्बोसिनिलिन डाल देते हैं, ताकि जो आपके एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं वो मर जाए, क्योंकि अब हमें एग्रोबैक्टीरियम की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज क्यों किया था, क्योंकि हम अपनी ऐच्छिक जीन को कहाँ पहुँचा लें, हमारे पादप में। अब हमारी ऐच्छिक जीन कहाँ पहुँच चुकी है, हमारे पादप के अंदर पहुँच चुकी है, तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। और इस पादप में अब यहाँ पर वही कोशिकाएं, देखिए आप लोगों ने विभिजोत की कोशिकाएं ली, उतक संवर्धन में आप पढ़ेंगे विभिजोत की कोशिकाएं पूरा पादप बनाने में विकसित है, तो पहले तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे, कार्बोनिसिलिन डालेंगे। तो कार्बोनिसिलिन डालने के बाद के अंदर ये देखिए यहाँ पर ये कोशिकाएं हमें मिली ना, तो इनमें हमने क्या डाला, कार्बोनिसिलिन डाला। कार्बोनिसिलिन डाल के हम एग्रोबैक्टीरियम को हटा देंगे, अब धीरे धीरे यहाँ पर नए पादप बनना चालू हो जाएंगे, और इनको हम क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे। पादप कोशिकाएं विभाजित हो पाती है, जो कि परो पुनर्जनन करती है। तो देखिए बेटा ये कोशिकाएं जब होगी तो सबसे पहले परो बनाएंगी, धीरे धीरे जड़ें बनेंगी, इन पादपों को हम अलग कर देंगे, जो कि ऊतक संवर्धन विधि का भी यहाँ पर क्या किया है प्रूफ। इन परों को विलग करके इनमें जड़ उत्पादित करके दृढ़ीकरण के पश्चात मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। ये सब कुछ कैसे होता है, देखिए बेटा पादपों के अंदर कुछ क्या होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ये पादपों के अंदर पुष्पन की अभिक्रिया, परो निर्माण की अभिक्रिया या जड़ों के निर्माण की अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने ये लिया, अब इसे पादप कोशिका के साथ में आप संवर्धित करवाएंगे। तो पादप कोशिका के साथ में जब आप संवर्धित करवाए तो आपने क्या लिया, ये लीजिए, ये आपके पास में क्या है, ये तो आपके पास में वो एग्रोबैक्टीरियम है। क्या है वो एग्रोबैक्टीरियम, जिसके अंदर क्या है आपका वो प्लाज्मिड है जो आपको डालना था, है या नहीं है। और ये मान लीजिए ये आपके पास में पादप कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिका है, पादप। तो ये तो है आपके पास में एग्रो बैक्टीरियम, और ये है आपके पास में पादप कृतोतक। अब क्या होंगे, इनको यहाँ पे संवर्धित होने देंगे, कुछ समय बाद ये प्लाज्मिड या ये एग्रोबैक्टीरियम इन्हें संक्रमित करेगा और इनमें चला जाएगा। अब हमें क्या मिल जाएगी, रूपांतरित पादप कोशिकाएं मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो रूपांतरित पादप कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा क्या पहुंच गया है, वो जीवाणु भी पहुंच गया है मान लीजिए, अब हम क्या करेंगे, वो जीन हमारी कोशिकाओं के पास पहुंच गई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका उपयोग कर देंगे,
हम यहाँ पर उपयोग कर देंगे कैर्बिनिल्सिलिन का, जो कि क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को मार देगा और अब हम पादप को वृद्धि करने देंगे। पहले पादप पर क्या करेगा, तना, तना वृद्धि करने पर पादप को हटाएंगे, एक ऐसे माध्यम में डालेंगे जो कि जड़ के निर्माण को क्या करेगा, स्टार्ट करवाएगा, और जैसे जड़ें बनने लग जाएगी और हमें लगेगा कि अब हम इस पादप को स्वतंत्र रूप से कहाँ पर मृदा में उगा सकते हैं तो हम वहाँ मृदा में भेज देंगे। इस प्रकार से हमने एस्परेगस, प्याज आदि एक बीजपत्रियों में एग्रोबियन संक्रमण करवाया है, किंतु एक बीजपत्री कोशिकाओं में दक्ष रूपांतरण के लिए एग्रोबिटम के साथ इनके सह कल्चर के साथ एसिटोसिरोंगोन को भी पोष पदार्थ के रूप में किया यूज़ किया जाता है। तो अगर आप द्विबीजपत्री पादपों का करवा रहे हैं तो आपको एसिडोसिरिंगोन का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बीजपत्री पादपों को करवा रहे हैं जिसमें एस्परेगस और प्याज है तो आपको एसिडोसिरिंगोन और डालना पड़ेगा पोषक पदार्थ में। मक्का आदि कुछ पादपीय कोशिकाएं ऐसा पदार्थ उत्पादित करती है जो कि एग्रोबैक्टेरियम द्वारा रूपांतरण घटाते हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कत है। इस समस्या को दूर करने के लिए पोषक पदार्थ में अधिक एसिडोसिरिंगोन क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो एसिडोसिरिंगोन क्या करेगा, एग्रोबैक्टेरियम के रूपांतरण को जो रोक रहा था उसे होने देगा। तो जब आप मक्का या अन्य पादपों को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, जो एक बीजपत्री पादपों को ग्रो कर रहे हो, तो वो जब ऐसे पदार्थ निकाल रहे हैं जिससे वो रूपांतरण नहीं हो पाएंगे तो हम एसिटोसिरगोन डाल देंगे तो उस पदार्थ का प्रभाव कम हो जाएगा और ऐसे पादप की जो कोशिकाएं वो भी क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं इन प्लांट टाइप या पादप रूपांतरण। अरेबिडोप्सिस ये एक पादप का नाम है कि बीजों को अगर हम सिर्फ एग्रोबैक्टेरियम में डुबो दें और इन पौधों से हम जो संततियां प्राप्त करेंगे तो उनमें क्या होगा, वो सारी जीन होगी जो हमने एग्रोबैक्टेरियम में जानी थी। इसके अतिरिक्त अगर आप अरेबिडोप्सिस पौधों के फूलों को भी लेकर, अगर जो आपकी ऐच्छिक जीन है, मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपनी क्या डाल दी है, ऐच्छिक जीन डाल दी है, इसके अंदर आप इस पादप के क्या है जो फूल है उन फूलों को यानी कि पुष्पों को भी अगर आप डुबो देंगे तो उनके पुंकेसरों में, उनकी स्त्री केसर के द्वारा उनके परागकणों में और अंड कोशिकाओं में क्या पहुंच जाएगा, ये जीन पहुंच जाएगी और आपकी जो ऐच्छिक जीन थी उसके लक्षण आपको पादपों में नजर आ जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त अरेबिडोप्सिस पादप को फूल आने से पहले एग्रोबैक्टीरियम के ताज़ा कल्चर में डुबाने पर यह परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसी धारणा है कि बीजों के अंकुरण के समय एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाएँ पौधों में प्रवेश कर जाएगी, है या नहीं। आंशिक निर्वात भी एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के पौधों में प्रवेश में सहायक है जो बाद में फूलों में बनने वाले युग्मनजों का रूपांतरण करते हैं। तो फूल बनने से पहले पहले उस पर्टिकुलर जहाँ पे आपको फूल का बना दिखाई दे रहा है उसे आप एग्रोबैक्टीरियम, जिसके अंदर कौन सा एग्रोबैक्टीरियम है, वो वाला एग्रोबैक्टीरियम जिसके अंदर आपने ऑलरेडी टीडीएनए डाला है, टीडीएनए मतलब वो डीएनए जिसे आप रूपांतरित कर चुके हो, अपनी ऐच्छिक जीन उनके प्लाज्मिड में डाल चुके हो, ऐसे में डालेंगे तो वहाँ पे से वो जो एग्रोबैक्टीरियम है वो कहाँ चला जाएगा, उन पादपों के ऊपर चला जाएगा, उन पुष्पों पे चला जाएगा, वहाँ जाकर गांठे बनाकर एक पुष्प बनते हुए पुष्प के अंदर प्रवेश कर जाएगा, वहाँ पर उनकी कोशिकाओं के साथ में इसका जो टीआई प्लाज्मिड है उनकी कोशिकाओं के डीएनए में समाकलित हो जाएगा और जो आपकी ऐच्छिक जीन थी वो भी समाकलित हो जाएगी और आपको ऐच्छिक लक्षण मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पादप वायरस वाहक, यानी कि अब हम अगर प्लाज्मिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम एक और अप्रत्यक्ष तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, वायरस का। मैंने पिछली बार बताया था वायरस कैसा होता है, अविकल्पी परजीवी होता है, यानी कि अपने होस्ट को लेकर, अपनी पोषी कोशिका को लेकर या अपने पोषक को लेकर ये बहुत विशिष्ट होता है। जैसे कि अगर कोई वायरस किसके ऊपर, मक्का के ऊपर क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है या मक्का को क्या करता है, बीमार करता है या मक्का के ऊपर परजीवी, तो मक्का पर ही क्या रहेगा, परजीवी रहेगा, ठीक है। तो देखिए वायरस में निम्नलिखित अच्छे वाहक के गुण उपयोग किया जाता है, यह वयस्क पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखिए बेटा आपकी जो वायरस जो होता है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, वायरस जो होता है वो जो कोशिकाएं अभी नई नई बनी ना उन कोशिकाओं के ऊपर ये क्या करते हैं, ज़्यादा प्रवेश करते हैं। प्रत्येक कोशिका में इनकी बहुत प्रतियां उत्पन्न होती है जिससे डीएनए निवेश द्वारा कोडित प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है। सो सही बात है, आप वायरस को डालोगे तो वायरस जाकर जल्दी जल्दी विभाजन करेगा, वो मैंने आपको पिछली बार तरीका बता दिया है, क्योंकि आपने वायरस के अंदर से रोगकारी जीन को हटाया, अपनी ऐच्छिक जीन को डाल दिया और अब इन कोशिकाओं में डाल दिया, वयस्क कोशिकाओं में, वयस्क कोशिकाएं जल्दी ही क्या करेगी, विभाजन दर्शाएगी और उनके साथ साथ में वायरस का डीएनए भी विभाजित कर जाएगा, लेकिन वहाँ वायरस के डीएनए के साथ साथ हमने हमारी ऐच्छिक जीन को भी डाल दिया है।
कुछ वायरस सर्वांगी होने के कारण पूरे पौधे में फैल जाते हैं, जिससे इनका उपयोग पौधे के लक्षण प्रारूप में सुधार अथवा रिकॉम्बिनेंट बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही पादप वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान्यतः एक वायरस के पास में सिर्फ एक वायरस सिर्फ दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल से और एक प्रोटीन से। न्यूक्लिक अम्ल में या तो उनके पास डीएनए ही होगा या आरएनए ही होगा। हमारी तरह एक वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते। फिर मैंने ये भी बताया था कि सामान्यतः अधिकतर, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ, अधिकतर पादप वायरस वह वायरस जो पादप को संक्रमित करते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, और जंतु वायरस यानी कि वह वायरस जो कि जंतुओं को संक्रमित करते हैं उनमें अधिकतर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। तो आरएनए होता है। अतः इस समूह के दो वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस व ब्रोम मोज़ेक वायरस, काफ़ी उपयोगी है, किंतु सबसे अधिक डीएनए जीनोम वाले दो वायरस समूह कोलियो वायरस और जैमिनी वायरस का भी उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए हम बातें अब फूल गोभी मोज़ेक वायरस एक और हमारे पास में आया, जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा वाहक के रूप में यूज कर रहे हैं, दैट इज़ दी सीएमवी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। आप इसका यूज नाम ध्यान रखेंगे, ये कोलियो मो वायरस समूह का वायरस है, इसका समूह याद रखेंगे आप, कोलिमो वायरस है ये। इस पर सबसे अधिक प्रयोग किए गए हैं, तो आपसे पूछ ली कि सबसे अधिक प्रयोग वाहक के रूप में वायरस को यूज़ करने पर किस वायरस के साथ में करे गए हैं, तो आप लिखेंगे सी एम बी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के साथ में, जो कि कोलिमो वायरस समूह का है। फूल गोभी मोज़ेक वायरस द्विबीजपत्री पौधों में सबसे बड़े समूह को क्या करता है, संक्रमित करता है। तो ये आपके पास बड़ी खास बात आ गई कि अगर आपको द्विबीज पौधों का क्या करवाना है, रूपांतरण करवाना है, तो आप इस वायरस का यूज़ कर सकते हैं, किंतु इसके जीनोम में एक सीमित लंबाई के डीएनए निवेश किए जा सकते हैं। अतः ये वाहक के रूप में इसका उपयोग बहुत सीमित है, क्योंकि एक ज़्यादा अधिक भार वाले डीएनए को नहीं ले जा पाएगा। तो कोई डीएनए का खंड ऐसा है या कोई जीन या आपका ऐच्छिक डीएनए ऐसा है जो कि बहुत लंबा है, तो ये उसे नहीं ले जा पाएगा। छोटे छोटे डीएनए के खंडों को क्या कर सकता है, अपने साथ में ले जा सकता है। जैमिनी वायरस बहुत से द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री पौधों को संक्रमित करते हैं। यह वायरस कीटों द्वारा संचरित होते हैं, यानी कि कीट जो होते हैं, अगर ये हमें रोग कर रहे हैं तो ये हमारे पादप पर कैसे पहुँचे रोग करने के लिए, कीटों के द्वारा जाते हैं। इनका डीएनए एक लड़िए होता है, यानी कि आपका अधिकतर आपका डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकीय या द्वि क्या होता है, लड़ों से बना होता है। लेकिन इनका जो वायरस है, इनके अंदर भले ही इनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इनका डीएनए सिर्फ एक ही रज्जु का बना हुआ होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए जो कि वायरस में मिल रहे हैं वो एक रज्जु के भी हो सकते हैं, दो रज्जु के भी। गेहूँ का बोना वायरस जो कि गेहूँ को बोना बनाता है, वह मक्का का रेखा वायरस, दोनों का क्रमशः गेहूँ मक्का के पौधों में एग्रो संक्रमण के सफलतापूर्वक क्या किया जा चुका है, उपयोग किया जा चुका है। तो इन वायरसेस का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें, तो जैमिनी वायरस में आपके पास कौन कौन से वायरस आते हैं, वीट ड्वार्फ वायरस आते हैं और मेज लाइन वायरस आपके पास में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टुबेको मोज़ेक वायरस, जिसकी कल हमने देखी भी थी, ठीक है। और इनके अंदर आरएनए होता है जो इनका अनुवांशिक पदार्थ होता है, और कल मैंने इसका डायग्राम जो आपके सामने बनाया था इस प्रकार से, जिसके अंदर प्रोटीन की मैंने कवरिंग बनाई थी, जिसे मैंने क्या कहा था, कैप्सिड कहा था, तो वो मैंने यही बनाई थी आपके सामने। तो देखिए टोबेको मोज़ेक वायरस, ये टोबेको में रोग करता है, में एक आरएनए जीनोम होता है जो एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की तरह व्यवहार करता है। आरएनए वायरस का उपयोग वाहक की तरह निम्न दो प्रकार से होता है, वायरस जीनोम से सीडीएनए प्रति का उपयोग इकोलाई में क्लोनिंग के लिए, और संक्रमित आने की आरएनए की प्रति को पुनर्योजित वायरस के जीनोम में पाते अनुलेखन द्वारा पादप संक्रमण उपयोग करते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सुनिएगा। देखिए होता क्या है, अक्सर आपको देखिए चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हमारे कोशिकाओं में डीएनए जो होता है वो क्या करता है, अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सामान्य कोशिका में ऐसा कार्य होता है, क्योंकि वहाँ अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए है या नहीं है। तो अनुलेखन के द्वारा वो क्या करता है, बेसिकली एमआरएनए बनवाता है, ठीक है। फिर ये एमआरएनए जो होता है इसका क्या होता है, अनुवादन होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और अनुवादन से बच्चा ये क्या बनवाता है, प्रोटीन बनवाता है। ये एक सामान्य प्रक्रम है, सामान्य अवस्था। लेकिन कहीं पर अगर क्या हो, एमआरएनए ही, जैसे कि किसके अंदर होता है, वायरस के अंदर होता है, किस में होता है, वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ
हो सकता है। तो अगर ये वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है तो ये क्या करेगा, एमआरएनए से क्या बनवाएगा, डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो वैसे एमआरएनए से भी डीएनए बन सकता है। और इस प्रकार बने हुए डीएनए को आप सीडीएनए कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है बच्चा कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं है। और ये जो प्रक्रिया यहाँ पे चली है इसे हम प्रतिप अनुलेखन यानी कि रिवर्स, उल्टा जा रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए तो सामान्य तौर पर देखा ही जाता है बनना, और इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन वे वायरस जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है और उन्हें किसी ऐसे पादप को क्या करना है, संक्रमित करना है जिसके अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अब आपने पिछली बार देखा था कि वायरस जब संक्रमित करता है तो क्या करता है, अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ के जाता है, पोषी कोशिका में प्रवेश करके उसके डीएनए की जगह या तो खुद का डीएनए रख देता है या उसके डीएनए के साथ में अपने डीएनए को समाकलित कर देता है। आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ हो गई। वायरस जैसे ही पोषी कोशिका में पहुँचा, उसे पता चला कि यार मेरे पास तो आरएनए है लेकिन पोषी कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, अब मैं क्या करूँ। तो वो क्या करता है, पहले अपने आरएनए से क्या बनवाता है, डीएनए बनवाता है, ठीक है। तो और फिर उससे क्या करेगा, पोषी कोशिका के डीएनए की जगह या तो खुद का डीएनए रखेगा या उसके साथ में समाकलित हो जाएगा। तो उसके आरएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को हम प्रतिप अनुलेखन या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं, और यही यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब आरएनए का वायरस का उपयोग वाहक की तरह दो निम्न प्रकार होता है। वायरस जीनोम की सीडीएनए प्रति का उपयोग इकोलाई में क्लोनिंग के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीडीएनए बनवाएंगे और फिर इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे। तो जब इकोलाई बैक्टीरिया विभाजन करेगा तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है, जो हमने एमआरएनए से उल्टा करके बनवाया है, प्रतिप अनुलेखन द्वारा कॉपी बन जाएगी। अब संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योजी वायरस के जीनोम में, अब हम इसको क्या करेंगे, संक्रमित जो हमारे पास आरएनए है उसको वायरस के जीनोम में सीडीएनए के पात्र के द्वारा पादप के संक्रमण में पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अब हमारे पास में इस संक्रमित आरएनए से सीडीएनए बना, इस सीडीएनए के अंदर हम अपनी इच्छित जीन भी डाल सकते हैं और अब उसको हम जिस पादप को करना है, चेंज करना है, उसमें डाल देंगे। तो पहले हम सीडीएनए बनवाएंगे, फिर सीडीएनए के अंदर हमें पता चला कि वायरस के अंदर, मान लीजिए ये सीडीएनए बनकर तैयार हुआ, वायरस के अंदर आपके पास में ये सीडीएनए बनकर तैयार हुआ है। ये क्या है, वायरस का मान लीजिए सीडीएनए है, क्या है ये, सीडीएनए। अब इस सीडीएनए में हम वो जगह पता करेंगे कि कौन सी जीन है जो कि इस वायरस को क्या बना रही है, रोगकारी बना रही है। तो मान लीजिए ये कौन सी जीन है, रोगकारी जीन, हमें अपने पादप को रोग नहीं दे रहा, तो इस जीन को हम क्या करेंगे, हटवाएंगे। क्या करेंगे, हटवाएंगे किसके, रिस्ट्रिक्शन एंड और प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से। और इस जीन के स्थान पर फिर हम अपनी क्या कर देंगे, यहाँ पर इच्छित जीन जो है उसे क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे, है नहीं है। अब हमारा ये जो डीएनए बनकर तैयार होगा इसे हम कोशिका के अंदर डाल देंगे, बस जिस भी हमारे है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ब्रूम मोजेक वायरस। ये बेसिकली क्या होता है, ये ब्रूम मोजेक वायरस ग्रेमिनिकूल जैसे जौ सहित प्रजातियों को संक्रमित करता है। इसके जीनोम के 3 खंड 1, 2 व 3 होते हैं। जीनोम का मतलब जो भी इसका आनुवांशिक पदार्थ है, इनमें सफल संक्रमण के लिए तीनों खंडों द्वारा संक्रमण अनिवार्य होता है। इस जीनोम के खंड 3 में सीपी नाम की एक जीन होती है, यह डीएनए निवेश में समाकलन का एकमात्र स्थल है। तो सीपी, अगर आपको इनके अंदर नया डीएनए डलवाना है तो सिर्फ आप सीपी खंड वाले से डलवा सकते हैं और कहीं से नहीं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ब्रूम मोजेक वायरस का क्या लिया है, डीएनए लिया है, तो इसके अंदर क्या होंगे, 3 खंड होंगे। एक खंड होगा 1, 2, 3, मान लीजिए जो खंड है, ठीक है, ये वाला खंड कौन सा है, सीपी। अब आपको अगर इसके अंदर नई जीन डलवानी है तो आपको इस सीपी खंड को क्या करना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, और यहीं से आप इसके अंदर क्या डाल पाएंगे, नई जीन डाल पाएंगे। सीपी जीन में कैट जीन को समाकलित करके जो प्रोटोप्लास्ट संक्रमण करे उनमें कैट जीन की उच्च अभिव्यक्ता होती है। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, सीपी जीन में एक कैट नाम की जीन पाई जाती है जो कि क्या होती है, संक्रमित करने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए कृत्रिम गुणसूत्र, मैंने क्या कहा था कि आप वाहक के रूप के अंदर प्राकृतिक वाहक तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड जो आपको प्राकृतिक रूप से मिल रहा है और आपके वायरस भी हो गए, लेकिन ये
क्या होते हैं, एक सीमा तक ही कार्य कर पाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर वाले डीएनए को या विदेशी डीएनए को किसके अंदर डलवाना है, कोशिका में डलवाना है, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे, तो उस अवस्था के अंदर आप बेसिकली अपने पास में कृत्रिम वाहक बनवाएंगे। और इनमें सबसे पहला कृत्रिम वाहक आता है कृत्रिम गुणसूत्र। प्रारूपिक वाहक सामान्यतः बड़े डीएनए खंडों को सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकते, यही मैंने आपको बोला। इस समस्या के निर्माण के लिए कृत्रिम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का विकास किया गया है। इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अतिथि कोशिका में प्रवेश के पश्चात ये अतिथि कोशिका में पूर्ण रूप से गुणसूत्र की तरह व्यवहार करते हैं, यानी हम एक पूरा गुणसूत्र देते हैं। उदाहरणार्थ आपके पास में बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, और आपके पास में मैंने बताया था वाईएसी यानी कि ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र भी होता है। एग्रो इन्फेक्शन, देखिए एग्रो संक्रमण विधि उन वायरस वाहकों के लिए अपनाई जाती है जिनका संचरण उनका प्राकृतिक कीट वाहक करता है, जैसे जेमिनी वायरस। तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, एग्रो संक्रमण करवा रहे हो, ठीक है। तो एग्रो संक्रमण विधि उन वायरस वाहकों के लिए अपनाई जाती है, उन वायरस वाहकों के लिए जिनका संचरण जो कोई कीट है उसके द्वारा होता है। इन वायरस वाहकों में डीएनए निवेश का समाकलन करने के बाद टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए खंड में संग करते हैं, और टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम प्रवेश करके इस एग्रो पादप कोशिका के साथ सह संबंध करते हैं। इस विधि से भी दो जेमिनी वायरस एमएसवी डब्ल्यूडी का स्थापना को बनाया गया है। तो फिर से देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले क्या करो, एग्रो संक्रमण उन वायरसों के लिए अपनाई जाती है जिनका संचरण उनका प्राकृतिक कीट करता है। इन वायरस वाहकों को डीएनए निवेश का समाकलन करने के बाद वाहक को टीआई प्लाज्मिड के डीएनए में संकला, यानी कि पहले आप वायरस को बनाओगे, वायरस में अपना डीएनए डालोगे, फिर उस वायरस को आप एग्रोबैक्टीरियम में डालोगे, फिर एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में हो जाएगा, फिर वहाँ से जाने के बाद में उन्हें पादप कोशिकाओं के साथ वही आप संवर्धित सह संवर्धित करोगे और फिर आगे उगाओगे। इस विधि से हमने दो जेमिनी वायरस एमएसवी डब्ल्यूडीवी का स्थानांतरण किया है। द्विबीजपत्री टेराजोगिक पादप तंबाकू पिटूनिया सीएचआईसीटी आलू बैंगन सूरजमुखी तोरिया गोभी की जातियाँ कपास सोयाबीन गाजर आदि हमने क्या करी, इस विधि से बनाई है। अब एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप हमने कौन कौन से बनाए हैं, तो देखिए बेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एग्रो संक्रमण विधि के अंदर सबसे पहले आप वायरस के अंदर अपनी क्या डालेंगे, इच्छिक जीन, फिर इस वायरस से किसको संक्रमित करेंगे, इस वायरस से आप संक्रमित करने वाले हैं पहले एग्रोबैक्टीरियम को, फिर एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जब आपकी ऐच्छिक जीन चली जाएगी इससे आप किसको संक्रमित करने वाले हो, एग्रो बैक्टीरियम को, फिर इस एग्रो बैक्टीरियम को आप पादप कोशिकाओं के कथकों के साथ में क्या करेंगे, सह संवर्धन देंगे। तो बस इतना है ये, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा एक बीजपत्री पादप आपने कौन से बनाए, मक्का जई। ट्रांसजेनिक जंतु भी हमने बनाया, मानव परखमली टिश्यू पात्र निषेचन, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पात्र निषेचन के अंदर आप अंडकोशिका मादा से और नर कोशिका सॉरी अंडकोशिका मादा से शुक्राणु कोशिका नर से लेते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, परखमली में टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कहता है, निषेचित करवाया जाता है। जब भ्रूण बन जाता है और 6 से 8 कोशी की स्थिति में पहुँच जाता है तो उसे पुनः मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप सीधा सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करवाया, मान लीजिए नर व मादा युग्मकों का निषेचन करवा के युग्मनज बनाया, युग्मनज को डाल दिया, या फिर आप क्या कह सकते हैं भ्रूण बनाकर भ्रूण को डाल सकते हैं, तो उसे आप एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। द्वारा उत्कृष्ट नस्ल के बहुत से पशु उत्पन्न किए गए हैं, अति अंडोत्सर्ग पात्र निषेचन भ्रूण खंडन भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा सी डी एन ए लाइब्रेरी बनाई गई है। तो देखिए अति अंडोत्सर्ग क्या है, देखिए बेटा क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसी जाति है, हम ले लेते हैं जंतु, और जंतु के अंदर मान लीजिए हमें कोई ऐसी गाय या बुल मिली जिनके लक्षण बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं ऐसी हमारे पास बहुत सारी संतति पैदा हो। अब गाय जो होती है वो एक बार में एक ही बच्चा देती है, लेकिन ये गाय जो है इसके अंडाणु बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी गाय है ठीक है, इसे क्या करेंगे, हम एक इंजेक्शन देंगे एक हार्मोन का, उस हार्मोन की वजह से ये काफ़ी संख्या में अधिक अंडों का अंडोत्सर्ग करेगी, यानी कि अंडकों को क्या करेगी, रिलीज करेगी अपनी अपनी ओवरी से, ठीक है, यानी कि अपने अंडाशय से। अब इसके गर्भ के अंदर जब इतने सारे अंडाशय आ जाएंगे तो उनके अंदर हम बहुत सारे स्पर्म छोड़ देंगे, भाई शुक्राणु तो एक साथ बहुत सारे जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे युग्मनज या भ्रूण बनकर क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब गाय तो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, तो अब हम इन भ्रूणों को क्या करेंगे, निकालेंगे
और दूसरी जो गाय है, जो दूसरी क्या है गाय, दूसरी गायों के गर्भ में हम उसे क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। तो अब हमें देखिए, ना तो जिसके गर्भ में स्थापित किया, ना तो ये उसका अंडाणु है। हमने बेस्ट जो अपने आप में सबसे अच्छी क्वालिटी की गाय थी और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बुल था, उसके हमने बेसिकली क्या किए हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं को आपस में क्या करवाया, निषेचित करवाया है, और फिर हमने क्या किया है, इस तरीके से आगे बढ़े हैं बेसिकली। ठीक है, आगे की तरफ देखिए नेक्स्ट। तो बेसिकली यही इसके अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, cDNA बनवाया है। तो आपके पास में वायरस का RNA होता था, इस RNA से पहले आप, भाई DNA तो द्विखंड द्विरज्जु की होता है ना, तो पहले हम एक खंड बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे RNA पे है A U G C T A G, नाइट्रोजन क्षारक्रम है, तो इससे जो DNA बनेगा उसमें A की जगह T, U की जगह A, G की जगह C, C की जगह G, T की जगह A, A की जगह सॉरी U होता है RNA में, A की जगह T, G की जगह C आ जाएगा। ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को वहाँ पर पहले चैप्टर के अंदर, और ये DNA पढ़ने पर ही आता है बेटा। अब दूसरा DNA का इससे हम एक और स्ट्रैंड बनाएंगे, दूसरा स्ट्रैंड इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है नहीं है? तो जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मान लीजिए ये क्या था, टी ए सी जी ए टी सी लाए हैं, तो इसका बिल्कुल, इसका बिल्कुल संपूरक ए टी सी जी टी ए जी बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा। और अब इस DNA को आप cDNA कह देंगे, जिसे आप डोनर में डाल देंगे, दैट्स इट। चलिए, cDNA में रूपांतरित जीवाणु भोजी बैक्टीरिया लयनों की समष्टि होती है, जिससे किसी जीव को प्राप्त सभी दूत RNA निवेशक के रूप में उपस्थित होते हैं। ये cDNA निवेशित प्लाज्मिडों को या फीज वाहकों में होते हैं। तो बेसिकली अब आप जो cDNA आपने बनाया है, आप उसे किस में डाल सकते हो, अभी आपने एग्रोबैक्टेरिया में डाला था ना, तो आप किसी भी प्लाज्मिड में उसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपने ऐच्छिक जीन बनवा ली है, और आगे उससे अपने नए पादप या रूपांतरित पादपों का निर्माण करते हैं। जिन ऊतकों में प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है, ऐसे ऊतक पौधों में जड़, पत्ते और तने में अग्रभाग में होते हैं, और इनमें mRNA को पृथक करके cDNA बनाया जाता है। बस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का प्रयोग करके mRNA से cDNA बनाया जाता है, जिसको फिर द्विसूत्री बनाकर क्लोन करने को प्रयोग करते हैं। यही तो हमने कहा, और हमने आपको क्या बोला, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको आगे समझाई है। किताब की रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके बेसिकली mRNA कहाँ मिलेंगे आपको, mRNA बेसिकली आपको मिलते हैं पादप के वो भाग जहाँ प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिली है, वहाँ से आप mRNA लीजिए। mRNA से आप पहले एक रज्जु DNA बनाइए, उससे दूसरा रज्जु भी बना लीजिए, अब आपके ऐच्छिक जीन को आप आगे ले जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, चलिए ये बड़ा हमारे पास में एक अच्छा टॉपिक आया है कि एग्रोबैक्टीरियम का महत्व क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है भाई। इसके द्वारा हमने अपनी ऐच्छिक जीनों को क्या करके पादप कोशिकाओं में डालकर क्या बनाए हैं, ऐसे पादप बनाए हैं जिनमें अब उपजाऊता अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उत्पादन अच्छा है, बहुत सी चीज़ों को हमने अच्छा बना दिया है। तो देखिए, जब प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च वर्ग के पात्रों में अनेक वांछित जीनों को, जो हमारी इच्छा के जीन को निवेशित करवा कर उनमें वांछित लक्षण उत्पन्न गए, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहला BT कपास या BT कॉटन, इसे बैसिलस थुरिंजिनासिस, एक बैक्टीरिया होता है ठीक है, जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाले जीन को कपास में स्थानांतरित किया गया। तो बेटा बैसिलस थुरिंजिनासिस के अंदर बेसिकली क्या पाई जाती है, एक जीन प्रोटीन पाई जाती है, इसे आप क्रिप्टो प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या होती है, जैसे ही अल्कलाइन माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर आती है, वैसे ही सक्रिय हो जाती है, और जो भी कीट आपके पादप को खाने आ रहा है उसे क्या कर देती है, मार देती है। तो हमने क्या किया, हमारे कपास के पादप को कुछ जो क्या थे, लटें थी, या हमें वर्म कह सकते हैं, जिसमें जैसे एक एग्जांपल हमें याद है जैसे कि बॉल वर्म। तो ये बॉल वर्म जो होता है, ये कपास के पादप को क्या करता था, संक्रमित करता था, क्या करता था, संक्रमित। एक निमेटोड है ठीक है, मेलिडोगाइनी जैसे कि एक निमेटोड है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हमारा कपास का पूरा पादप क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। ये किसका पादप है, कपास का पादप। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इसमें हम लोगों ने कौन सी जीन डलवा दी, BT जीन। कैसे डलवाई होगी, वही ट्यूबर एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से हम डलवा दी, BT जीन चली गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब ये लट या ये वर्म हमारे इसको क्या करने के लिए आया, संक्रमित करने के लिए आया, तो जो BT जीन होती है ये क्या कर देती है, अपने अंदर से कुछ जहरीले पदार्थ
संक्रमित करती है, सॉरी, कुछ जहरीले पदार्थ स्त्रावित करती है जो अम्लीय माध्यम में, जो अम्लीय माध्यम में सक्रिय हो जाती है। तो देखिए होगा क्या, ये बीटी कॉटन से, ये जो बीटी जीन है, ठीक है, ये बीटी कॉटन में बीटी जीन इस जहरीले पदार्थ का क्या कर रही होगी, संक्रमण। यहाँ पर कौन होगा, बहुत सारा विषैला विषीला पदार्थ होगा। अब क्या करेगा, जब ये वर्म इसे खाएगा तो इसके अंदर जो कि क्या है, ये रोगकारी है, इस रोगकारी की आहार नाल में क्या होगा, आहार नाल में कैसा माध्यम होता है, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएंगे, विषैले पदार्थ सक्रिय हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस आहार नाल में छेद कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो रोगकारी है इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और हमारा बीटी प्लांट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, बैसिलस थुरिंजिनासिस से जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाली जीन को कपास में स्थानांतरित कर हमने बीटी कपास बनाया। इस कारण कपास को गुलाबी सड़न कीट पिंक बॉलवर्म, देखिए मैंने कहा था ना बॉलवर्म लेते हैं, जैसे ही खाता है वह मर जाता है, वह उपज क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों मर जाता है, क्योंकि जो क्राई जीन है या जो क्रिप जीन है, बेसिकली क्रिप्टो प्रोटीन या क्राई प्रोटीन है, ये बेसिकली कैसे होती है, विषैला प्रभाव देती है अम्लीय माध्यम में, और जो वर्म उसे खाने के लिए आया है, जो कीट उसे खाने के लिए आया, उस कीट की गट के अंदर या आहार नाल में अम्लीय माध्यम में जाते ही ये प्रोटीन सक्रिय हो जाती है और उसे क्या कर देती है, मार देती है। फ्लेवर सेवर टमाटो, ये भी हमने बनाए हैं टमाटर, ये ट्रांसजेनिक टमाटर है, टमाटर से अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। आप हरे टमाटर ला कर रखिए, एक दो दिन में पीले होकर लाल होकर सड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अधिक समय तक संग्रहित करने पर ये खराब हो जाते हैं। इसका संग्रहण समय बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली नष्ट करने वाले एंजाइम, क्योंकि अपने अंदर से एक ऐसा एंजाइम निकालता है जिसे आप बेसिकली क्या कहते हैं, पॉलीग्लैटरूनेज एंजाइम कहते हैं। तो ये पॉलीग्लैटरूनेज एंजाइम जो है ये इसकी कोशिका झिल्लियों को विलगित करने लग जाता है, कोशिका टूटेंगी तो फिर सड़ने लग जाएंगी। हमें क्या करना है, इस एंजाइम को कम करना है, तो इसकी मात्रा एंटीसेंस आरएनए टेक्निक के द्वारा क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। यानी कि देखिए नष्ट करने वाला एक एंजाइम है। अब एंजाइम जो होते हैं, मैंने बहुत बार बताया वो किसके बनाए हुए हैं, प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, प्रोटीन, सुनिएगा बहुत अच्छे से, इस चीज़ को भी सुन लीजिए आप लोग। एंजाइम किसके बने होते हैं बच्चा, प्रोटीन के बने होते हैं, बोलो बात समझ में आ रही है। प्रोटीन कैसे बनती थी, अभी आप लोगों ने खुद ने कहा था, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, यानी कि ये पॉलीग्लुटोरोनेज प्रोटीन बनाने के लिए टमाटर का डीएनए एमआरएनए बनाता होगा और इस एमआरएनए से पढ़कर क्या बनती होगी ये प्रोटीन, और प्रोटीन क्या बनाती होगी ये वाला एंजाइम, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम इस एमआरएनए को ही ना बनने दें तो क्या ये प्रोटीन बन पाएगी, और अगर ये प्रोटीन नहीं बनता, एंजाइम भी नहीं बनेगा, तो हम इस एमआरएनए को ही क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेंस टेक्निक कहते हैं। कैसे करेंगे, आपका एमआरएनए सामान्यतः कैसा होता है, एक रज्जु की, मैं ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं सकती कि आपके एग्री बायो में ज़्यादा है नहीं, पर एमआरएनए अक्सर क्या होता है, एक रज्जु की होता है, जिससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनना अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो एक रज्जू को पढ़ लिया जाना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी का दूसरा संपूरक एक और बनवा देते हैं, यानी कि एमआरएनए को हम द्विरज्जुकीय बना देते हैं। अब उससे प्रोटीन संश्लेषण हो नहीं पाएगा और ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये एंजाइम भी नहीं बन पाएगा। ट्रांसजेनिक मक्का, लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को मक्का में स्थानांतरित कर हमने ट्रांसजेनिक मक्का बनाई है। तो आज हमें मक्का से सिर्फ स्टार्च ही नहीं मिलता, हमें लाइसिन नाम के अमीनो अम्ल भी मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लाइसिन एक कैसा अमीनो अम्ल है, तो बेटा ये आपके पास में एक अति आवश्यक अमीनो अम्ल है। सुनिएगा, आपके बॉडी में 20 तरीके अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, जिसमें से 10 तो होते हैं अति आवश्यक और 10 होते हैं अआवश्यक। अति आवश्यक का मतलब, अआवश्यक का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर को इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अआवश्यक का मतलब ये है बेसिकली, देखिए सुनिए,
जो आपका बॉडी खुद नहीं बनाती, जो आपकी काया खुद नहीं बनाती, जिसे कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, वो तो हो जाते हैं अति आवश्यक, और अनावश्यक जिन्हें आपकी बॉडी खुद बना लेगी। तो लाइसिन आपकी बॉडी नहीं बनाती है, तो इन्हें आपको अपने भोजन स्रोत से क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो हमने इस तरीके से क्या बनाया है, ट्रांसजेनिक मक्का भी बनाई है। देखिए दूसरा, खरपतवार नाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। हमने ऐसे पादप बनाए हैं जो कि अपने अंदर से कुछ ऐसे रसायनों को निकाल लेंगे ताकि हमारे खेत के अंदर लगे हुए पादपों के साथ के अंदर जो खरपतवार है, जो कि हमारे पादपों के लिए कंपटीशन पैदा कर देती है। भाई पादपों में आप आपका खेत में अगर खरपतवार उग जाती है, तो जो पानी आप अपने पादप के डाल रहे हो उसका इस्तेमाल वो भी करती है। जो खरपतवार आपने खाद डाली है, जो भी आप और उपजाऊ चीज़ें डाल रहे हैं या मृदा की उपजाऊता को भी खरपतवार यूज़ करती है। हम नहीं चाहते खरपतवार उगे ताकि हमारे प्लांट्स को अननेसेसरी का कंपटीशन फेस करना पड़े। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे पादप बनाए हैं जो कि खरपतवार नाशी तरह प्रयोग करते हैं। तो खरपतवार नाशियों का प्रभाव खरपतवारों के साथ साथ फसल पर पड़ता है। तो अगर हम कोई ऐसी सब्सटेंस डालें, हम ऐसा कोई केमिकल डालें जिससे खरपतवार हटे, तो भाई खरपतवार भी एक पादप है, हमारा जो क्रॉप प्लांट है वो भी एक पादप है, तो हम खरपतवार नाशी तो हमारे प्लांट के ऊपर भी प्रभाव आ रहा था ना। तो उनको विरुद्ध प्रतिरोधी बनाना लाभकारी होता है। जैसे ग्लाइसोफेट प्रतिरोधकता तंबाकू व टमाटर को दी गई है, फॉस्फोथ्राइसिन नाम की प्रतिरोधक तंबाकू को दी गई है, ये आप याद रखेंगे। सल्फोनाइल यूरिया व इमिडोलिंस प्रतिरोधकता ये हमने किसको प्रोवाइड किए, टमाटर चुकंदर सरसों को, और ट्राइजीन प्रतिरोधकता हमने किसको दी है, शलगम और गोभी को। तो ये अपने से कुछ ऐसे पदार्थ निकालेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास क्या नहीं कर पाएगी, खरपतवार वृद्धि नहीं कर पाएगी। नरबंध्य पौधों की प्राप्ति, एक जीवाणु बैसिलस अमाइलो लिक्विफिशियंस के बाढ़ने जीन को तंबाकू व तोरियों के पौधों में निवेशित करके इनमें नरबंध्यता उत्पन्न की गई है। यानी कि इनके अंदर जो स्टेमेन होंगे वो नहीं बनेंगे, यानी पुंकेसर जो होंगे उनके अंदर परागकणों का निर्माण नहीं होगा। इसी जीवाणु में से एक अन्य जीन बारस्टर एक प्रोटीन कोडित करता है। इस जीन का प्रयोग से नर उर्वर पौधों प्राप्त किए जा सकते हैं। संकर बीज उत्पादन के लिए बॉन्डेज नर बंधे पौधों का संकरण बार स्टार से करते हैं, और इस प्रक्रिया से प्राप्त संकरों को पौधों में बॉर्नेज को बार स्टार प्रोटीन निरोध कर देता है, अतः पौधे नर उर्वर होते हैं। तो देखिए ये वाली टेक्निक जो है इसे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नर बंधे पौधों की प्राप्ति से शुरू करेंगे। तो आज तक के आपको चैप्टर में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप उसे पूछ सकते हैं। देखिए आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने ट्रांसजेनिक पादपों के बारे में देखा है। अब आप थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए जो आपका पहले वाला टॉपिक था, कौन सा, खरपतवार नाशी। देखिए होता क्या है, खरपतवार नाशी वालों को आप अच्छे से समझे। ये आपके पास में क्या है, आपका खेत है। इस खेत के अंदर आपकी क्या उग रही है, फसल उग रही है, ये फसल है। अब होता क्या था कि इसके अंदर कभी कभी क्या उग जाते थे, खरपतवार आ जाती थी। क्या उग जाती थी बीच बीच में, खरपतवार। ये क्या है, खरपतवार। अब ये खरपतवार क्या करती थी, जो भी आपका पादप है या जो भी आपका कौन है फसल है, उसे कंपटीशन देती थी। क्या देती थी, कंपटीशन। देखिए कैसे देगी कंपटीशन, आजकल भी कंपटीशन शब्द सब समझते हैं। फसल को क्या देती थी, कंपटीशन देती थी। कैसे कंपटीशन देती थी, भाई आप जो भी खेत में जो भी स्थान है उसको ये इस्तेमाल कर रही है, मृदा में जो पोषक पदार्थ है जो कि पादप को चाहिए वो भी ले रहा है, तो पादप को इसके साथ में लड़ना पड़ेगा, है नहीं है। आपने जो भी जल दिया है उसे भी इस्तेमाल कर रहा है, जो भी आपके पास में क्या है खनिज पदार्थ है उनको भी ये क्या कर रहा है, इस्तेमाल। आपने जो खाद डाली है उसको भी ये क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो इसकी वजह से आपके फसल पर क्या आएगा, प्रभाव। अब आपने कहा कि भाई मैं खरपतवार नाशी लेकर आ जाऊँ, तो भाई खरपतवार नाशी जो खरपतवार है वो भी तो एक पादप ही है, तो खरपतवार नाशी अगर खरपतवार पे बुरा प्रभाव डालने वाली है तो ये मेरे पादप के ऊपर भी क्या डाल देगी, बुरा प्रभाव डाल देगी, डालेगी कि डालेगी, और मेरा पादप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फसल खराब हो जाएगी। एक एक खरपतवार को जाके मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि पौधों के बीच में गई, ऐसे बीच में जाएंगे तो फसल खराब होगी। कटाई हम कर नहीं सकते हैं इनकी क्योंकि फसल भी हमारे साथ साथ में कट जाएगी। अब क्या किया जाए, तो हमने क्या करे, इस प्रकार से कुछ क्या बनाए, ट्रांसजेनिक पादप बनाए। क्या बनाए, ट्रांसजेनिक पादप बनाए या रूपांतरित पादप बनाए, जिनमें हमने क्या डाल दी ऐसी जीन डाली जो कि क्या करती थी, अपने अंदर से विषैला
पदार्थ क्या करती है, स्रावित करती है। इस विषैले पदार्थ की वजह से जो खरपतवार है, खरपतवार वह फसली पादप के आसपास, फसली पादप के पास वृद्धि नहीं करती, और आपका जो पादप होता है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। बोलो बात समझ में आई। तो ये भी एक तरीका हो गया। अब नेक्स्ट टेक्निक पे देखो, ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो नेक्स्ट टेक्निक में हम क्या पढ़ेंगे कि हम नर बंध्य पौधों की प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए हम पूरा का पूरा एक डायग्राम अच्छे से लेंगे और पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कैसे बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पढ़ रहे हैं। तो महत्व में हमने बहुत कुछ कर लिया, खरपतवार नाशी पादप बना लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हमें नर बंध्य पौधों की प्राप्ति करनी है। हमें नर बंध्य पौधे क्यों चाहिए, इनको कैसे बंध्य या उर्वर बनाया जाता है, इन सब बातों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।